झारखंड से आई बड़ी खबर आपको बताएं। बोकारो में मालगाड़ी के डीरेल होने की खबर मिल रही है। तुक्का डीह के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। डाउन लाइन ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। आरपीएफ बोकारो की 5 सदस्यों वाली टीम मौके पर मौजूद है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे डीरेल हुए हैं। ऐसे में आरपीएफ बोकारो की टीम मौके पर पहुंच करके मुआयना कर रही है, देख रही है सिचुएशन, भांपने की कोशिश। रविकांत से ज्यादा डिटेल लेते हैं। रविकांत, ये पूरा मामला क्या है, इस बार क्या हुआ है? देखिए, इस बार अभी तक जो घटना का कारण है वो पता नहीं लगा है, क्योंकि रेल दुर्घटनाएं लगातार एक के बाद एक, खासतौर से डिरेलमेंट की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। इसलिए ये शक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पटरी पर इसी तरीके का कोई सैबोटाज रहा हो, जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पर रेलवे की अपनी गलती थी, वहाँ कोई समस्या पहले से थी, या फिर किसी ने कोई सामान रखा था, या कोई ऐसी चीज थी जो बाहरी साजिश के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि रेलवे की जो पटरी है उस पे कोई ना कोई रेलवे की ओर से चूक हुई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। क्योंकि अगर कोई चीज रखी भी होती तो रेलवे की ये जिम्मेदारी थी कि वो देख पाता, और जो निरीक्षण कर्मी होते हैं वो उसको देख पाते। अगर डिरेलमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से रेलवे के ऊपर आता है कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं उस चीज को देख पाए जिस वजह से ये डिरेलमेंट हुआ है। तो लगातार इसकी कोशिश हो रही है कि डिरेलमेंट किस वजह से हुआ है, पहले इसका पता लगाया जा सके। बिल्कुल रविकांत, और जैसे ही तस्वीर साफ होगी दर्शकों तक हम ये जानकारी रखेंगे। शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आ रही है, वो ये है कि घी मिलावट मामले में एआर फूड्स पर मामला दर्ज हुआ है। ईस्ट पुलिस स्टेशन में एआर फूड्स पर मामला दर्ज किया गया है। तिरुपति बोर्ड ने घटिया घी सप्लाई की शिकायत की थी और अब ये मामला दर्ज हुआ है। एआर फूड्स, जिसके पास घी सप्लाई करने का टेंडर था। आशीष से ज्यादा डिटेल लेते हैं। आशीष, क्या जानकारी आ रही है, शिकायत दर्ज की गई है, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में कल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के परचेज मैनेजर ने ईस्ट पुलिस स्टेशन, जो तिरुपति का है, तिरुपति जिले का है, वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि कैसे एक कंपनी जो तमिलनाडु की है, एआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने मिलावटी घी की सप्लाई की और उसकी जांच की जानी चाहिए। उस शिकायत के बाद आज तिरुपति के ईस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर लिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता के की धारा 274, 275, 316, 318 बटा 3, 318 बटा 4, 61 बटा 2 और अन्य धाराओं में है। इसमें फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की एंट्री हो गई है। अब ये देखना होगा पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। जाहिर तौर पर पुलिस की जांच अब एआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो डुंडीगल में है तमिलनाडु के, वहां तक पहुंचेगी। हमें हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी इस मामले में। उसके अलावा टीटीडी बोर्ड के, बिल्कुल आशीष, अब एआर फूड्स को बताना होगा ये तमाम जवाबदेही जो उनसे बनती है, उससे जुड़े सवाल। अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त हो गया है तीव्र गति से आपको खबरें दिखाने का। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश की तमाम बड़ी खबरें। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि अभी मुंबई में मौसम साफ है, रात से बारिश नहीं हुई, फिलहाल जल जमाव की स्थिति नहीं है। मुंबई से सटे पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी जिले धुले, पुणे, नासिक, रायगढ़, ठाणे, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में येलो और ग्रीन अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर के बीएमसी की लोगों से अपील है कि फिलहाल अपने घरों में ही रहें। मुंबई के सभी स्कूल कॉलेजेस में आज छुट्टी। कल हुई भारी बारिश के बाद मुंबई में कुछ जगह सामान्य हुए हालात। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर जलभराव नहीं है, रेल यातायात सुचारू हुआ। मुंबई में कल हुई बारिश का असर दिखा। आज बांद्रा में समुद्र में उठी ऊंची लहरें, हाई टाइड की आशंका। मुंबई के अंधेरे में बारिश बनी जानलेवा। अंधेरी इलाके में मैनहोल में गिरने से महिला की मौत। पानी में करीब 100 मीटर तक बहती चली गई महिला। 1 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला गया।
मुंबई में भारी बारिश का असर ईवीएम मशीन्स पर पड़ा। शहर के निचले इलाकों में जलभराव, स्ट्रांग रूम में रखी गई कई ईवीएम मशीनें पानी में डूबी। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही है चांदनी नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता पानी में डूब गया। सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ बह रहा है पानी। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली गिरने के दौरान हादसा हुआ है। पहाड़ी पर चट्टान तोड़ने के लिए लगे डायनामाइट में अचानक धमाका हो गया। विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत, 2 मजदूर घायल। हिमाचल के सिरमौर में देर रात से लगातार बारिश, पुल पर मलबा आ गया। घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। भारी बारिश के चलते पांवटा साहिब में आज बंद रहेगी सभी शैक्षणिक संस्थान। एसडीएम ने जारी किया आदेश। गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से जटोन डैम के गेट खोले गए। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल के धर्मशाला में भी सुबह से ही लगातार जारी है बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। धौलाधार की पहाड़ियों पर धुंध दिखाई दिया। सुबह सुबह चंडीगढ़ में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। पानी ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार। आने जाने वाले लोगों को परेशानी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वडोदरा में तेज आंधी के साथ पेड़ गिरा। राह चल रहे बाइक सवार के ऊपर ये पेड़ गिरा। हादसे में बाइक सवार की मौत। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या। रावपुरा, चार दरवाजा, दांडिया बाजार समेत शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में नहाते समय हादसा। 14 साल के छात्र की पानी में डूबने से मौत। एनडीआरएफ की टीम की काफी मशक्कत के बाद खोजबीन में भी छात्र का सुराग नहीं लगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हादसा हो गया। खुपौली में जैनित वाटरफॉल में नहाने गई लड़की की मौत की खबर। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों की जान बचाई। चलिए राजनीति की बात करते हैं तीव्र गति से। हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। सभी सीटों पर कमल खिलाने की करेंगे अपील। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुणे में 22,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल में बदलाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में महायुति में तकरीबन 90 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आज शीर्ष नेताओं के बीच फंसी हुई सीटों पर चर्चा फिर होगी। नवरात्रि में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी प्रवक्ता प्रसाद लाड ने कहा कि पार्टी ने विदर्भ की 62 में से 45 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। खुद अमित शाह ने नागपुर की बैठक में ये टारगेट दिया है। आज से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार की बरवाला सीट में करेंगे सभाएं। कंगना रनौत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए। बोले, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, ऐसा बटन दबाना जिससे फिर कृषि कानून वापस न आने पाए। बिना केजरीवाल के समर्थन के नहीं बनेगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी जनसभाएं करेंगे। चेनानी, उधमपुर, बानी और जसरोटा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। कठुआ की जनसभा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा, समय आने पर भारत में करेंगे विलय, ये हमारा संकल्प है। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र। आतिशी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हासिल करना है विश्वास मत। सुबह 11 बजे से सदन चलेगा। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्र का एजेंडा क्या है इस बारे में जानकारी हमको नहीं दी गई है। अगर बोलने नहीं दिया गया तो काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। यमुना किनारे छठ आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। कोरोना काल से यमुना किनारे छठ करने पर पाबंदी है।
जगनमोहन रेड्डी की तिरुमाला यात्रा से पहले शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने कहा यात्रा से पहले अपनी धार्मिक आस्था घोषित करे जगन। प्रसादम विवाद के बाद जगन रेड्डी को घेर रही है भारतीय जनता पार्टी। तिरुमला मंदिर में अर्चना सेवा के दौरान तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव शर्मा ने भगवान के दर्शन किए। राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा ने तिरुमला मंदिर में दर्शन किया। कर्नाटक बीजेपी आज सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे प्रदर्शन करेगी। सिद्धारमैया पर मैसूर में जमीन घोटाला करने का आरोप है। कुशीनगर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर तिवारी ने जाली नोट पर सवाल उठाए। बोले दावत खा रहे लोगों को पुलिस उठा ले गई। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की मांग की। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का अपने ही सांसद अजय मंडल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। बोले सिर्फ मोदी और नीतीश के नाम पर जीते अब 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नीति आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं की है। बजट में बिहार का ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राशन दुकानों पर लोगों को धोखे में रखकर सदस्य बनाने का आरोप लगाया गया। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बोले सीएम योगी का कैसे वर्णन किया जाए, उनकी कार्यशैली से मैं अभिभूत हूं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। एसओजी ने रिपोर्ट में कहा शेखावत के खिलाफ नहीं है कोई सबूत। शेखावत ने कहा सत्य की हुई जीत। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो भी नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की जरूरत है तभी खामियां दूर होंगी। भारत ने BBNJ समझौते पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर बोले महासागरों को ठीक रखने की दिशा में बड़ा कदम। महाराष्ट्र के विपक्ष नेता विजय वेट्टीवार का बड़ा बयान। कहा अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ तो ब्रजभूषण सिंह का क्यों नहीं। कानून अगर समान है तो यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। सीआईडी टीम ने PI संजय शिंदे का बयान दर्ज किया। API नीलेश मोरे और कांस्टेबल अभिजीत मोरे के बयान भी दर्ज किए गए। सीआईडी ने डॉक्टर्स का भी बयान लिया। अक्षय एनकाउंटर मामले में कोर्ट का आदेश। तलोजा जेल से लेकर मुंब्रा बाईपास तक के CCTV फुटेज प्रिजर्व किए जाएं। वैन में शामिल सभी कर्मचारी अधिकारी CDR कोर्ट में सबमिट करने का आदेश है। शिवसेना UBT प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। मुंबई में कई जगह लगे देवेंद्र फडणवीस के हाथ में गन वाले पोस्टर्स। उन्होंने पूछा क्या ये सभी पोस्टर खुद फडणवीस ने ही लगवाए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अमेरिका की कर्जदाता कंपनी ग्लास ट्रस्ट LLC की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ग्लास ट्रस्ट ने NCLT के आदेश को दी है चुनौती।